बिहार के अंदर एक लड़की ने मैरिट लिस्ट नाम आ गया उसका, उसको मार दिया गया हिंदूवादी ब्राह्मणवादी पाकिस्तानी। 15 दिन तक अलीगढ़ का स्ट्रीट टॉर्चर किया गया मेरे साथ, और एक मतलब जाति सूचक शब्द देके बोला गया कि चमार होगे मजदूरों के हक के लिए लड़ाई करेगा। तो ये लेबर कोड लागू हो गए तो दोबारा से हम गुलामी की व्यवस्था में चले जाएंगे। और यहाँ तमाम आए सभी साथियों को मेरा प्रणाम करें। लाल सलाम साथियों, आज के दौर में जिस तरीके की आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो हमारे सामने है। हमने देखा कि जब से जब 2020 में लॉकडाउन लगा, 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, तो जितने भी प्रवासी मजदूर थे अपने घर के लिए निकले तो रास्ते में पुलिस ने उनको पीटा, और रास्ते में चलते वक्त महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, कोई चलते चलते रेल की पटरी सो गए तो रेल उनके ऊपर से उतर गई। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हुई, और आज भी हम उसी तरीके से देख रहे हैं कि भाई जो हालात, जो आर्थिक हालात है वो दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि आज हम देखेंगे भाई जो आज सरसों का तेल 200 रुपए लीटर पहुंच गया है, एक मजदूर जो दो दिन में 200-250 रुपए की दिहाड़ी करके आ रहा है वो कैसे उस तेल को खरीद पाएगा। और जो कोर्स पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दिए, गैस आज 1,004 रुपए की हो गई है। तो जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो आने वाली जो पीढ़ी है वो उसके लिए बहुत खतरनाक चीज है ये, और हमें इसके लिए एक आंदोलन करने की जरूरत है। और हम बात करेंगे भाई आज मजदूर आंदोलन में क्या क्या चुनौतियां है। आज मजदूर आंदोलन के दौर में जब भी कोई भी मजदूर अपनी आवाज को उठाता है तो सरकार उसको दबाने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना एक जहां पे हम काम करें कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में, हमने वहां पे मजदूरों की सैलरी दिलवाने के लिए वहां पे धरना कंपनी के सामने धरना देना स्टार्ट किया। तो हमारे साथ जो कंपनी के बाउंसर है वो आते हैं, वो फायरिंग करते हैं, हम उसकी रिपोर्ट एसपी को देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद फिर 12 जनवरी को जब हम दोबारा कंपनी के सामने धरना देने जाते हैं तो पुलिस आती है, सीधा कोई बातचीत नहीं करती, एक महिला साथी बात रख रही होती है वहां पे, उसका आगे गिरबान पकड़ती है। तो गिरबान पकड़ते उस टाइम झड़प हुई, उस झड़प के दौरान साथी नवदीप कौर की गिरफ्तारी हुई, और उसके 4 दिन बाद मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। मुझे 15 दिन तक अलीगढ़ का स्ट्रीट टॉर्चर किया गया मेरे साथ, और एक मतलब जाति सूचक शब्द देके बोला गया कि चमार होगे मजदूरों के हक के लिए लड़ाई करेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, कास्ट कोई बात, कास्ट की चीज के लिए मैटर नहीं करती, मैं हरदम मजदूर वर्ग के लिए काम करूंगा। आज जिस तरीके से अलग अलग जगह पे मजदूर आंदोलन चल रहे हैं, रुद्रपुर या मानेसर या टापूगढ़ा, अलग अलग जगह पे जिस तरीके से आज आंदोलन चल रहे हैं, तो उसके लिए अभी सरकार आसपास सीआरपीएफ कैंप, आईटीबीपी कैंप लगातार इस तरीके से कैंपों का निर्माण कर रही है। अभी मानेसर के अंदर जब मैं गया तो वहां पे देखा कि सीआरपीएफ का एक कैंप है, और अभी कुंडली में हम थोड़ा सा घूमे ज्यादा तो वहां पे भी एक आईटीबीपी का कैंप है। दोस्तों तो ये कैंप लगाने की जो प्रक्रिया है ना, ये समाधान प्रार की नीति के तहत ये सब चीजें लगाई जा रही है, ताकि जो भी मजदूर मेहनत कर जनता के लिए आवाज उठाएगा उसको दबाने का काम करेंगे ये कैंप। और हम देख रहे हैं लंबे समय से कि जब से बीजेपी सरकार आई है किस तरीके से अलग
कभी किसानों के लिए कानून लेके आ रही है, कभी मुस्लिमों के लिए एनआरसी लेके आ रही है, कभी छात्रों के लिए एनएपी लेके आ रही है, कभी मजदूरों के लिए लेबर कोड भी लेके आ रही है। तो जो ये पूरा का पूरा बीजेपी सरकार का एजेंडा है, ये पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है, और इसके खिलाफ हमें पुरजोर तरीके से सबको एक मंच पे आके एक साझा मंच बना के एकजुट लड़ने की जरूरत है। अभी जिस तरीके से लगातार हर जगह पे हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, एक जागीरपुरी का जागीरपुरी का एक एग्जांपल ले लीजिए। अभी हमारे गांव के अंदर भी एक गांव गाय की गायमुर्गी बीमारी के कारण उसको कुछ लोग नहीं उठाने के लिए गए, तो वहां पे भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना। तो लगातार बीजेपी सरकार इस तरीके से हिंदू मुस्लिम का दंगे करवाने की सोच रही है। तो अभी बिहार के अंदर एक लड़की ने मैरिट लिस्ट नाम आ गया उसका, उसको मार दिया गया हिंदूवादी ब्राह्मणवादी ताकतों ने। तो आज हमारे सामने सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई आज हमें अलग अलग धाराओं में बन के हम काम कर रहे हैं, हमें आज एक फ्रंट पे आके काम करने की जरूरत है। आज छात्र मजदूर किसान नौजवान सभी को एक फ्रंट पे आके एक साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, एक संयुक्त मोर्चा बना के हर एक जन विरोधी कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अभी जिस तरीके से सरकार लेबर कोड बिल लेके आई है, वो पूरा पूरा पूंजीपति मालिकों के हक में है। जो अमेरिका साम्राज्यवादी ताकते हैं, वो लगातार भारत में घुसपैठ करके बड़ी मतलब या से सस्ते मजदूरों से श्रम उद्योगों का प्रयोग कर रही है। तो हमें इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, और मैं इस मंच के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा, जिस तरीके से किसानों ने 3 कृषि कानूनों के लिए सभी जितने भी पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन थे, सभी ने मिलकर 3 कृषि कानूनों के लिए संघर्ष किया, आज मजदूर वर्ग को भी जितने भी पूरे भारत के अंदर जितने भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी मजदूर संगठन है, सबको एक जॉइंट फ्रंट बना के लेबर कोड के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है। जो ये लेबर कोड लागू हो गए तो दोबारा से हम गुलामी की व्यवस्था में चले जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों को पहलकदमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग मेहनत कर जनता के लिए मजदूरों के लिए आज सब काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी हमारे कुंडली के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने ढेरों समस्याएं आ रही है। किसी कंपनी में मजदूर की उंगली कट गई, कोई मुआवजा नहीं दिया, निकाल दिया। किसी मजदूर ने काम किया, सैलरी नहीं, निकाल दिया। तो हमें अभी लेटर लिखते, पहले हमें लेटर लिखना स्टार्ट किया मजदूर अधिकार संगठन के लेटर हेड पे, कि इस मजदूर का इस तरीके से आपने वेतन रोका है, इसका वेतन दीजिए। तो उस गिरफ्तारी के बाद एक हमारी जो जीत हुई है, वो हमारी जीत ये हुई है, जो हम लेटर लिखते हैं उससे मजदूरों का वेतन मिल रहा है। तो एक बड़ी जीत है, जो वहां का जो यूनियन बनाने का काम कर रहा है और मजदूरों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों इसी के बाद मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।